जबलपुर जिले की बेलबाग पुलिस ने जंजीरा पुल के पास दबिश देकर मादक पदार्थ की तस्करी में लिप्त तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 100 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक कीमती करीबन 20 लाख रुपए की जब्त की गई है। पुलिस गिरफ्त में आया तस्कर बहुत ही शातिर है, जो अपने जूते एवं चप्पलों के सोल की डिजाइन ऐसी बनवाता था जिसमें काफी जगह खाली रहती थी, जिसमें वह स्मैक की पुडिया रखकर उसकी तस्करी करता था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह स्मैक जिला रतलाम से शहर बेचने के लिए लाया था। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि जंजीरा पुल के पास लाली उर्फ दिलीप सोनकर निवासी भरतीपुर स्मैक लिए खड़ा है, जो किसी ग्राहक के इंतजार में है। सूचना पर पुलिस ने तत्काल NDPS एक्ट के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर लाली को दबोच लिया। बेलबाग थाने ने लाली उर्फ दिलीप सोनकर, जो खटीक मोहल्ला बेलबाग का रहने वाला है, भरपुरा का, उसको हाल में भरपुरा में रांची में रह रहा है, उसको टारगेट पे लिया था, रडार पे लिया था और इसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के बाद जो चीजें सामने आई वो आंख चौंकाने वाली थी, आंख खोलने वाली थी, चौंका देने वाली थी पुलिस के लिए, क्योंकि जो स्मैक मालवा के जिले से लाई जा रही थी वो चप्पल में लाई जा रही थी, चप्पल के सोल में लेकर आई जा रही, ये चप्पल ये पहने हुए थे और इस चप्पल की ये सोल में ये फाड़ के निकाला गया है। इससे इस सोल के अंदर रखी गई थी, दोनों सोल में दो पैकेट में प्योर स्मैक थी, जिसको यहाँ पर 100 ग्राम थी, जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसकी कीमत 20 लाख रुपए है। उसके बाद इसमें कट पाउडर डाला जाता है और 100 ग्राम को लगभग 1 kg के करीब बनाया जाता है और जबलपुर में टिकली के तौर पे, टिकट के तौर पे बेचा जाता है। 100 रुपए, 250 रुपए, 500 रुपए तक की अलग अलग इनकी रहती है और उसमें बेचा जाता है। ये एक चौंकाने वाला फैक्ट है कि ये एक नया तरीका इन्होंने अपनाया है, जिस तरीके से पुलिस ने इनके ऊपर सर्विलांस रखा है, इनको सर्चिंग कर रहे हैं लगातार। इससे पहले भी ये गिरफ्तार हो चुके हैं दो बार। कितनी बार गिरफ्तार हुआ? दो बार। कितने में बेचता है? 50 रुपए में। इसे कितना बना था? ये इससे जो बनाया लेकर आया है, कितनी बार लेकर आया? दो बार तो पहली बार तो पकड़े गए। कहाँ पकड़े गए? फिर जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।